चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है, उम्मीद करता हूँ मेरी अगली पेशी को बराह रास्त नशर किया जाएगा। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से बड़ा मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है, चीफ जस्टिस ने कहा भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। क्या मुझे फेयर ट्रायल मिल रहा है? मुल्क जिस तरह चलाया जा रहा है इस तरह मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। ये जंग आमरियत के खिलाफ जंग चल रही है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि बलूचिस्तान में कंट्रोल्ड हुकूमत बनाई गई जिससे आजादी की तहरीक मजीद तेज हो रही है। हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटिशंस को क्यों नहीं सुना जा रहा? हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिरानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप भी गोशा बीबी की तरह अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी बराह रास्त नशर नहीं की गई, मैं सुप्रीम कोर्ट समात में बात करने के लिए बेताब रहा। उम्मीद करता हूँ मेरी अगली पेशी को बराह रास्त नशर किया जाएगा।